हेलो गाइस गुड मॉर्निंग और आप कुहेसा देख सकते हो गांव में कितना सारा कुहेसा है और ये आज हमने टेम्परेचर मतलब चेक किया इसका वेदर चेक किया तो मतलब छः पॉइंट है मतलब सिक्स पॉइंट मतलब ये है इतनी ठंडी है यहाँ पे और आज मैं आपको नई रेसिपी देने वाली हूँ निमोना का रेसिपी आपको देने वाली हूँ तो फ़िलहाल मैं अभी ब्रश करने आई हूँ टेरेस पे जो गांव का टेरेस है उस पर मैं ब्रश करने आई हूँ तो मैंने सोचा चलो एक क्लिप ऐड कर देते हैं और मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है बट क्या कर सकते हैं ये से क्लाइमेट से बाहर आके यही हाल होने वाला है इतना वेदर में थे और फिर एक महीना और फिर आके अचानक ये किए और यहाँ पे ना हम लोग जा रहे हैं हमारे पुराने घर जो पापा का जो पुराना वाला घर था ना तो वहाँ जा रहे हैं वहाँ पे पापा जब नया घर बना ना तो पुराने वाले घर में ना वो गाड़ी रखते थे और मतलब जैसे मेरी दादी और दादा वहाँ पर सब्ज़ियाँ उगाते थे तो बाजू में बड़ी मम्मी का भी है तो यहाँ पर पूरी पलटन हम लोग जा रहे हैं पापा को छोड़ के बाकी हम लोग सब लोग जा रहे थे देखिए यहाँ पे जिनका जिनका ये तो काफ़ी बन गया नहीं तो ये पूरा नीचे तक खड्डा था बट अभी सब मिट्टी भर भर के सब ने बना दिया और उसके बाद से यहाँ पे देखें और ये पुराना ये साइड में जो लेफ्ट साइड में है वो मेरा घर है मतलब पुराना वाला बहुत पुराना जब पापा छोटे थे तब का घर है ये देखिए यहाँ पे कुछ सब्जियाँ जंगल हो गया है पूरा ये पूरा जंगल हो गया है आप देख सकते हो और ये बाजू वाली आंटी ने इसमें चौली चौली बोलते हैं ना वो गवार और चौली उन्होंने आ, ये लगाया है इसके अंदर और आ, क्या बोलते हैं उसको जो दाल रहता ना तुर का दाल वो दो तीन प्लांट वो लगाए हैं तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये जो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ इन्होंने लगाया है पहले ऐसा नहीं था पहले सब वो बोलते हैं ना मिट्टी वाला घर था और आंटी यहाँ पर खड़ी भी है हमारी चाची लगेंगी तो फिर कुछ नहीं बस अभी यही मैं आपको दिखा रही हूँ कि गाँव का कैसा है क्या है और यहाँ पे देखिए गवार तोड़ रही है कि क्या कर रही है वो मेरा भाई अंदर गया है और बाजू में जो ये घर दिख रहा है ये बड़ी मम्मी का घर है बट अब उन्होंने हमारे बाजू में वहाँ पे नया घर बनवा लिया है और यहाँ पे छोटे छोटे पिल्लू है डॉगीज़ के तो ये लोग सब हाथ लगा रहे देखिए एक्चुअली यहाँ पे ये सब भरा भरा रहता था लेकिन अभी सब बॉम्बे और कहीं बाहर वहाँ कमाने के लिए सब चले गए कोई भी नहीं है बच्चे बड़े हो गए तो सब घर गांव खाली खाली लग रहा है यहाँ पे देख सकते सब चेंज हो गया है यहाँ पे बहुत लोगों का मतलब बाथरूम वग़ैरह यहाँ पे बन गया है और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर देखिए ये सब पूरा ये हमारा ही है जितना भी है और ये बाजू में एक दीवार जो है बाजू में वो मेरी बड़ी मम्मी का है तो ये भी पूरा खंडर ही हो गया है क्योंकि अभी वो लोग नए घर में शिफ्ट हो गए हैं तो यहाँ पे भी पूरा खंडर हो गया है तो इसको पूरा तोड़ भी तो नहीं सकते ना क्योंकि गांव के बीच में ही है और यहाँ पे इन लोग की मस्ती देखिए तो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और इटिंग वीडियो मैं कल शायद शूट करके परसों तक डाल दूँगी तो ज़्यादा नहीं इट करूँगी क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मैं थोड़ा सा ही ईट करके वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी ताकि मतलब चैनल पर एक वीडियो जाती रहे तो आप लोग बताना कि तबीयत ठीक होने पर डालू कि अभी थोड़ा सा मैं छोटा एक वीडियो अपलोड कर दूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और यहाँ पे मेरा भाई गवार तोड़ के दिखा रहा है जो गवार फली होती है ना वो तो आंटी ने लगाया था बहुत सारे आए थे एक प्लांट लगाया था लेकिन उसमें बहुत सारा फैलता है ना तो बहुत सारा आया था यहाँ पे ये जो सामने घर है जिस दिन मेरी बड़ी मम्मी एक्सपायर हुई तो उनके नेक्स्ट डे उनको शौक लग के वो भी एक्सपायर हो गई वहाँ की दादी जो सामने घर दिख रहा है ना येल्लो वाले के बाजू में तो उन उनकी मतलब जो दा, मेरी दादी थी वो भी एक्सपायर हो गई शॉक लग गया था एक्चुअली उनको <coughs> और यहाँ पे हम लोग अपने घर आ गए और मैंने होम टूर यहाँ का किया है और यहाँ लग रहा है तो यहाँ पे देखो इसको नहीं नहीं किया हा? बोलो नहीं। क्यों नहीं स्माइल दो नहीं। अरे सोना बाबू है ना तो नाए नाए किया शॉक्स पे ना और यहाँ पे हमारे घर के टच में ही ये जामुन का झाड़ था तो उसको काट रहे क्योंकि ये पूरा हमारे इस पे आ रहा था छत पे और यहाँ पे मेरी दीदी कपड़े धोने बैठी है क्योंकि अभी हम लोग को निकलना भी है दो दिन के बाद तो यहाँ पे लेकिन इसका बड़ा इशू हो गया था मैं दिखाऊंगी कि क्या इशू होता है झाड़ काटने पे क्योंकि अभी गांव में ना कोई भी झाड़ वगैरह काटना है तो परमिशन लेना पड़ता है आप ऐसे ही नहीं कटवा सकते आ, उस पर केस भी हो जाता है तो यही हुआ था इनके साथ आ, मतलब किसने कंप्लेन किया था ये तो आइडिया नहीं क्योंकि इनका झाड़ था और हमारे छत पर आ रहा था तो ये सब टूटने का चांसेस ज़्यादा था और यहाँ पे देखिए हम लोग देख रहे कट हो रहा है तो और यहाँ पे रिया भी देखो ये रिया को देखो इसका हेयर स्टाइल मैंने बनाया और मस्ती कर रही है मैंने इसको बोला नहा ले तो नहीं नहा रही है तो यहाँ पे देखिए ये कट हो रहा है और यहाँ पे मैं आज जब निमोना की रेसिपी दे रही हूँ तो यहाँ पे देखिए मिक्सर जार में मैंने अदरक ले लिया है हरा धनिया फ्रेश है अभी खेत से ही निकाल के लाए हैं और इसमें ज़्यादा कुछ मसाले मैं डालने वाली नहीं हूँ मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे थोड़े भी मसाले में टेस्टी लगता है तो यहाँ पे अदरक हरा धनिया हरा लहसुन और जीरा ये डाल दिया है और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालने वाली हूँ काली मिर्च का पाउडर और क्या बोलते हैं उसको काली मिर्च का पाउडर डालूंगी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर और इसको पीस के ले लूँगी और ये हरा धनिया थोड़ा तड़के के लिए और लहसुन तड़के के लिए रखा और यहाँ पे मटर को मैंने पीस लिया ये भी खेत का ही मटर था फ्रेश सब्जियों की भाती अलग होती है जो खाना वगैरह बनता है और यहाँ पे पोहे फ्राई करके रखे थे जो चूड़ा बोलते हैं ना नमकीन वो फ्राई करके रखे थे हमने तो यहाँ पे देखिए प्याज टमाटर भी थोड़ा सा घुमा के मैंने इसमें प्या एक प्याज और एक टमाटर और इसमें एवरेस्ट का चिकन मसा मसाला डाल रही हूँ आपको गोल्डी मसाला मिलेगा ना तो वो डालना क्योंकि उसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है सरसों का आप कोई भी तेल ले सकते हो बट सरसों के तेल में टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है तो यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया है और इसमें मैं मटर थोड़ा सा ये जो मटर वह पीसा देखा आप देख सकते हो मैंने एकदम दरदरा पीसा एकदम पेस्ट भी नहीं किया है क्योंकि पेस्ट अच्छा नहीं लगता तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से भून के लेंगे क्योंकि जो इसका पानी है थोड़ा सा सुखा लेंगे ताकि ना अगर डायरेक्ट मसाला डाल के भूनते ना इसको तो ये इसका कच्चापन नहीं जाता इसका मटर का स्वाद ही आता तो इसके लिए इसको अच्छे से भूनना है इसको अच्छे से भून के लेना है और आप देख सकते हो ये भून चुका है इसको एकदम लाल नहीं करना है इसका कलर चेंज नहीं करना है जितना भूनोगे उतना ही ग्रीन होता है तो मैं इसको अभी ना बर्तन में निकाल लूँगी यहाँ पे देखिए कितना ग्रीन हो गया है और नेचुरल कलर है इसमें कोई कलर यूज़ नहीं है अब इसमें वापस से तेल लिया है थोड़ा सा जीरा और तेज और एक प्याज मैंने तड़के में लगा दिया है तो अब मैं इसे भूनूँगी अच्छे से भून के मतलब थोड़ा सा ये कांदा फ्राई हो जाएगा उसके बाद से मैं मसाले हैं ना जो पीसे थे वो मैं डालूँगी उसको भून के लूँगी और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा खांसी आ रही है मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तो स्टॉप कर कर के मैं एडिटिंग कर रही हूँ और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी मैंने डाल दिया है और देखिए यहाँ पे हाँ, ये हो चुका है अब मैं इसमें मसाले डालूँगी जो पीसी थी मैंने देखिए फिर से सुन लीजिए अदरक हरा लहसुन हरा धनिया जीरा काली मिर्च पाउडर एवरेस्ट का मसाला और हल्दी और धनिया पाउडर इतना ही मसाला डालना है ओवर मसाले नहीं डालने आपको और इसमें मैंने कोई भी खड़े गर्म मसाले नहीं डाले सिर्फ जीरा को छोड़ के आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो बट ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो देखिए और इसको ना लो टू मीडियम गैस पे फ्राई करना है मैं जब भी कोई रेसिपी देती हूँ ना तो अगर मसाले भुनने की बात आती है ना तो मैं हमेशा ही बताती हूँ कि लो टू मीडियम गैस पे फ्राई करें अगर फा फ्रा, मतलब फास्ट गैस पे फ्राई करेंगे ना तो वो मसाले जल जाते हैं और स्लो पे अच्छे से नहीं भूनते तो इसीलिए लो टू मीडियम पर आपको फ्राई करना है वो काफ़ी अच्छे से भून भी जाते हैं और तेल भी रिलीज़ हो जाता है तो यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है नमक मैंने थोड़ा मसाले का ही डाला है जब मैं मटर और पानी डालूंगी ना तो एक बार टेस्ट करके फिर वापस से मैं आ, ये डालूंगी क्या नमक यहाँ पे देखिए एक टमाटर एक टमाटर मैंने उसमें पीसा था एक टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है और ये जो मटर भुना था वो डाल दिया है मैंने तो इसको अभी चला के लेंगे और ये बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हार्डली पंद्रह से बीस मिनट में ये हो जाता है आराम से तो यहाँ पर देखिए ये भी भून चुका है तो अब मैं आपको जितना थिक चाहिए रोटी से खाना है तो आप थिक रख सकते हो राइस से खाना है तो आपको पतला करना पड़ेगा तो मैं मीडियम ही रख रही हूँ ताकि हम हम लोग को राइस के साथ खाना है और हम लोग को सबको ये दाल मतलब मटर की दाल काफ़ी ज़्यादा पसंद है निमोना बोलते इसको तो कोई निमोना बोलता है और बहुत लोग और कुछ भी बोलते आइडिया नहीं है तो यहाँ पे देखिए ये मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा और पानी डालूंगी ठीक है अभी ना ये बॉयल भी होगा ना तो और ज़्यादा गाढ़ा होगा और जब ठंडा होता है तो और ज़्यादा थिक हो जाता है तो यहाँ पे देखिए मैंने आ, हो गया है ये मैंने बीच में ये किया था और थोड़ा सा हरा पत्ती ऊपर से डाला है हरा धनिया का और इसमें मैंने आ, जो लहसुन और धनिया रखा था उसका तड़का लगाया है ऊपर से और यहाँ पे देखिए जो झाड़ काटा था ना और ये जो रेड को कोट में है ना वो मेरा भाई है वो गाँव का प्रधान है तो यहाँ पर देखिए वो ये उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले जो है वो आए हैं कि इन किसी ने कंप्लेन किया था कि ये झाड़ कटवा रहे हैं और इन्होंने परमिशन नहीं ली थी क्योंकि जिनको बेचा था ना तो उसने परमिशन नहीं लिया था तो यहाँ पे केस हो गया है तो इसीलिए ये लोग आए हैं और हम लोग वही खड़े होकर देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या नहीं तो देखिए अभी क्या होता है क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत स्ट्रिक हो गया है झाड़ वग़ैरह काटना आप आसानी से झाड़ वग़ैरह नहीं काट सकते ये यह यहाँ यहाँ का ही अभी मैंने रूल देखा है और कहीं का अभी तक तो नहीं देखा तो इसके लिए चाहे अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आपका भले है लेकिन आपको परमिशन लेटर डालना पड़ता है उसको कटवाने के लिए तो मैं आपको जूम करके दिखा रही उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा हुआ है देख सकते हो आप तो यहीं पे सब बातचीत चालू है और वो हो चुका है अभी वो लोग चले गए और यहाँ पे कुछ सब्ज़ी आई थी खेत से तो मैं उसको साफ़ कर रही हूँ तो ये ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ तो ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना यहाँ पर भथुआ मैं साफ़ कर रही हूँ भथुआ और सरसों तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना तो चलो रेसिपी कैसी लगी वो भी बता देना निमोने की तो चलो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल और कुछ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना